करेंगे पावर वीडर के जो ब्लेड हैं उनका फिटिंग। तो आप देख सकते हैं इस तरह के पावर वीडर का रोटावेटर का शाफ्ट आता है चार पीस में, कुछ का पांच पीस में, कुछ रोटावेटर का तीन पीस में आता है। तो सबसे पहले हमें क्या है, जो दो पीस में हमारा शाफ्ट है उसको हम डिस्क के ऊपर उल्टा फिट कर देंगे, उसके बाद इन दोनों पीस को फिटिंग करेंगे। अब किसान साथी उसके बाद हमें सेटिंग क्या करना है जिससे हमें आसानी रहे ब्लेड फिटिंग करने में। तो जैसा सेट अपने ये तैयार किया है वैसे ही इस सेट को भी हमने तैयार कर लिया। उसके बाद हमें रखना है ब्लेड। तो ये ब्लेड जो देखिए आप, ये लेफ़्ट का हो गया, ये राइट का, इसके जो कट है उसके अकॉर्डिंग हमने उल्टा सीधा रख लिया। अब हमें करना क्या है, इसके ऊपर हमें एक नंबरिंग कर लेनी है ब्लेड के साइज़ पे, ताकि हमें परेशानी ना आए। वो छोटा सा नंबरिंग ये रहेगा, इसको हमने एक नंबर लिख लिया है और इसको दो नंबर लिख लिया है। अब इससे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें एक शाफ्ट, किसी भी एक शाफ्ट के जो सेटिंग करना है, मान लो हम इसका कर रहे हैं, तो इसके जो एक नंबर के दो ब्लेड हमने ले लिए, उन दोनों ब्लेड का फेस हम नीचे कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, दो नंबर वाले के दो ब्लेड लेने हैं और इसके ब्लेड का फेस ऊपर की तरफ कर दिया। ये करने के बाद हमें ये स्प्रिंग वाशर की मदद से इस बोल्ट को टाइट कर देना है, ताकि हमारा जो बोल्ट है वो चलते समय लूज ना हो, शाफ्ट के अंदर कहीं झटका पैदा ना हो। उसके बाद क्या है किसान साथियों, जैसे जैसे हम शाफ्ट के ऊपर, सेम प्रोसेस रहेगा, ऊपर वाले पे भी एक नंबर फिर दो नंबर। अब ये इधर हमने रख दिया और सेम इसके अंदर भी ये बोल्ट लगाएंगे और इसको टाइट करने का कार्य हम करेंगे। अभी हमारा ये ब्लेड भी टाइट हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, इसके चारों प्रॉपर तरीके से इसको फिटिंग कर देंगे। अब हमने पहले ये एक नंबर ब्लेड लगाया है, एक नंबर का नीचे फेस किया है, दो नंबर के मुंह को ऊपर, सेम इसी पोजीशन पे इस पर आएंगे, एक नंबर को नीचे, दो नंबर को ऊपर, ऐसे ही चारों का फिटिंग करेंगे। उसके बाद हम दूसरी शाफ्ट, मान लो हमारा ये हमने फिटिंग करके कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद हमें आना है इसके ऊपर। तो इस पर हमें उल्टा हो जाना है, दो नंबर वाले का फेस नीचे कर देना है। क्या करना है हमें, दो नंबर वाले का जो फेस है उसको हम नीचे कर देंगे और एक नंबर वाले जो हमारे ब्लेड थे उनका फेस हम ऊपर की तरफ कर देंगे। ये पोजीशन हमारे ब्लेड का फिटिंग हो जाएगा। ये उसका थोड़ा सा उल्टा हम चलाएंगे, पहले वाले में हमने एक नंबर को नीचे लिया था, अभी हमने एक नंबर को ऊपर की तरफ ले लिया और दो नंबर को नीचे की तरफ। अभी मैं आपको इसका जो उल्टा सीधा चलने का रास्ता है वो तरीका भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे उसको हम करेंगे फिटिंग। अभी ये देखिए, अभी हमारे दोनों ब्लेड तैयार है, हमने इस सेट को उठाया, इसको ऐसे यूज किया, तो इसका जो नुकीलापन है वो इस साइड आ गया, और इसको हमने उठाया ऐसे यूज किया, दोनों का है मेरा नुकीलापन जो है वो फिटिंग में आ गया। मतलब हमने जहाँ एक नंबर शाफ्ट ली थी उस पर एक नंबर जो ब्लेड था उसका मुंह नीचे की तरफ मोड़ के कर दिया, और दो नंबर में क्या किया हमने, दो नंबर शाफ्ट में दो नंबर ब्लेड को ही हमने नीचे की तरफ ले लिया। सेम प्रोसेस से हम ये सारे ब्लेड आराम से फिट कर सकते हैं। अभी आगे का ब्लेड भी मैं आपको फिटिंग करके दिखाता हूँ। ये हमारा एक नंबर ब्लेड है, ये हमारा दो नंबर ब्लेड है, तो दो नंबर और एक नंबर को हमने वही कम्बिनेशन, एक नंबर को नीचे की तरफ, क्योंकि ये हमारा एक नंबर ही शाफ्ट है, जब दूसरे नंबर की शाफ्ट फिट करेंगे तो उसमें इसका रास्ता जो है वो हम डाइवर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर किसान साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए कोई फ़ायदेमंद हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और
चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अधिक किसी भी जानकारी पावर टिलर की रिपेयरिंग के लिए भी आप हमारे पर किसी भी टाइम कमेंट बॉक्स में अपना नंबर देंगे, हम आपकी पूरी मदद जहाँ तक पॉसिबल और जानकारी हमारे पास होगी वो मदद हम आपकी करने में सहायता करेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।